2015 की मुख्य परीक्षा के दूसरे प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। ये प्रश्न तीन पार्ट में डिवाइड था, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। पहला जो प्रश्न था वो था पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह की व्याख्या और विश्लेषण कीजिए। तो जो मैंने आपको बताया था कि इसकी जो फ्रेमिंग होगी, इस प्रश्न में आपको पांच बिंदुओं पर इस प्रश्न को आपको हल करना है। सबसे पहले आपको पारिस्थितिकी तंत्र क्या है उसकी परिभाषा देनी है, फिर ऊर्जा प्रवाह के क्वेश्चन को डायरेक्ट हिट करने के लिए आपको बताने हैं कि ऊर्जा प्रवाह की जो प्रक्रिया है उसका जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म में उष्मा गतिकी के जो दो नियम है, जो टू रूल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, उसको आपको बताना है। और पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह के जो स्तर है, एक पोषण स्तर, आहार श्रृंखला और आहार जाल, आपको इन तीन बिंदुओं पर आप अपनी बात रखनी है और उसके पश्चात जो है आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगर आप इन पांचों प्रक्रियाओं को या पांचों बिंदुओं को फॉलो नहीं करते हो तो आपका प्रश्न फॉर्मल ही माना जाएगा और दिक्कतें होंगी। आपको जो है लगेगा कि आपने बहुत कुछ लिखा लेकिन आप प्रश्न की वैल्यू को समझ नहीं पाएंगे, प्रश्न को अच्छे से कर नहीं पाएंगे, अपना विषय आप स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। पहले मोटा मोटा मैं आपको फ्रेमिंग बता दूं। सबसे पहले हम पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा दे देंगे और पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा देने के बाद ये बताना है कि पृथ्वी के धरातल पर ऊष्मा का प्रधान स्रोत सूर्य है, सूर्य से प्राप्त जो ऊष्मा होती है उसी का प्रयोग जो है पृथ्वी पर ऊष्मा का उसी का पृथ्वी पर जो है ऊष्मा का उसी ऊष्मा का ऊर्जा का जो है प्रवाह होता है, ऊष्मा का ऊर्जा के रूप में परिवर्तन होता है और उस ऊर्जा का पृथ्वी के विभिन्न जो है अनुक्रमों में विभिन्न जीवों में प्रवाह होता है और इसी को जो है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कहा जाता है। और यह मुख्य रूप से दो नियमों के द्वारा होता है। पहला होता है ऊष्मागतिकी का एक पहला नियम, दूसरा नियम, फिर आपको पोषण स्तर के बारे में बताना है, फिर आहार श्रृंखला के बारे में बताना है, फिर आहार जाल के बारे में बताना है। तो हम लोग साथ में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमको परिभाषित करना है कि पारिस्थितिकी तंत्र है क्या। तो देखिए, जैसे मैंने आपके सामने लिखा हुआ पारिस्थितिकी तंत्र और इसके आगे कुछ लाइनों में उसकी व्याख्या करने का मैंने प्रयास किया। लिखा हुआ किसी निश्चित भौगोलिक इकाई में जैविक तथा अजैविक तत्वों के मध्य पारस्परिक क्रिया से निर्मित तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक निश्चित भौगोलिक इकाई है, जैसे मान लीजिए एक तालाब की बात हम करते हैं तो तालाब के अंदर जो जैविक प्रक्रम है और अजैविक प्रक्रम है, जैसे अजैविक प्रक्रम के अंतर्गत जो वनस्पतियां हैं और क्या बोलते हैं पादप हैं और वनस्पतियां हैं घास हैं उनका और उस तालाब के अंदर जो पाए जाने वाले जीव हैं, जीवित जीव हैं, उनके मध्य जो एक पारस्परिक अंतः संबंध है और उन जीवों के मध्य भी आपसी जो अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, उनके पूरे सिस्टम को, उनके पूरे मैकेनिज्म को उस भौगोलिक इकाई का, उस निश्चित भौगोलिक इकाई का पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। और अगर बहुत बड़े दृष्टिकोण से देखा जाए, एक वृहद रूप में देखा जाए तो हमारी पूरी पृथ्वी एक पारिस्थितिकी तंत्र है और इसी पारिस्थितिकी तंत्र में हमको ऊर्जा प्रवाह की व्याख्या करनी है कि किस प्रकार ऊर्जा का प्रवाह होता है। और चूंकि हमको पता है कि हमारी पृथ्वी के धरातल पर ऊर्जा का प्रधान स्रोत, ऊष्मा का प्रधान स्रोत सूर्य है और वह ऊष्मा ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है और उसी ऊर्जा का उपभोग विभिन्न जीव जो है अपने जो है काम कर अपनी कार्य क्रियाओं को करने के लिए करते हैं। तो यह जो है मुख्य रूप से दो नियम है जिनको ऊष्मागतिकी के दो नियम कहा जाता है, उन्हीं के द्वारा संचालित होता है। पहला नियम है ना तो किसी भी स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र में ना तो ऊर्जा का सृजन होता है और ना ही ऊर्जा का विनाश होता है, वरन उसका रूप परिवर्तन होता है। तो इसको हमको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये कहना क्या चाह रहा है, एक नियम कहता क्या चाह रहा है। जैसे मान लीजिए ये कहते हैं कि ना तो ऊर्जा का सृजन होता है और ना ही ऊर्जा का विनाश होता है, वरन रूप परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए एक कोयला हमने लिया तो कोयले के अंदर कुछ जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा संग्रहित है। जब उसको जलाते हैं तो वो ऊष्मा, वो जो स्थितिज ऊर्जा है वो ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है, जिस कार्य के लिए उसका इस्तेमाल किया जाए उसमें इस्तेमाल होती है
और उसका जो है रूप परिवर्तन हो जाता है। तो ना तो हमने उष्मा का सृजन किया ना ही उष्मा का विनाश किया, वरन उसका रूप परिवर्तन कर दिया। दूसरा नियम ये कहता है कि जब रूप परिवर्तन होता है तो उष्मा का कुछ भाग जो है विसरित हो जाता है। ऐसा नहीं कि अगर हमने जो है कोयले को जलाया तो एक किलो कोयला जलाया तो एक किलो कोयले की क्या बोलते हैं द्रव्यमान के बराबर ही हमको ऊर्जा प्राप्त होगी। कुछ मात्रा में उष्मा का क्षय हो जाता है और जो वह विसरित हो जाती है। इसको 10 का नियम कहते हैं कि अगर किसी एक अच्छे से आगे चर्चा करेंगे तो उष्मा का कुछ भाग जो है विस्तृत हो जाता है, विकीर्ण हो जाता है, जिसको पुनः प्राप्त करना संभव नहीं होता है। और इसके आधार पर वैज्ञानिकों ने हमारी जो पार्थिव तंत्र हमारी पृथ्वी है उस पर जो है उष्मा का प्रवाह इन 3 स्तरों पे कहा है। तो पहला ने देखा जो है वो उसको बोलते हैं पोषण स्तर, इसको ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। तो सबसे पहला जो है इसको समझिए कि हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रधान स्रोत सूर्य है। सूर्य से जो है ऊर्जा लघु तरंगी परावर्तनिका क्या बोलते हैं विकिरण के रूप में, सौर विकिरण के रूप में प्राप्त होता है, जिसको इंसुलेशन बोलते हैं। और वो इंसुलेशन जब उसको ग्रहण करते हैं स्वपोषित, जिनको हरे पौधे बोलते हैं, शाक बोलते हैं, वनस्पति बोलते हैं, तो वह उस ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जो सूर्य से प्राप्त उष्मा प्राप्त हो रही है उसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने शरीर में स्थिर कर लेते हैं, अपने शरीर में उसको जो है उसका ऊर्जा के रूप में परिवर्तन करते हैं और जो है उष्मा का रूपांतरण करते हैं। और जब रूपांतरण करते हैं तो 90% ऊर्जा उसका क्या हो जाता है क्षय हो जाती है। यानी जितनी ऊर्जा वो प्राप्त कर रहे हैं उसका 90% ऊर्जा क्या हो जाती है क्षय हो जाती है और केवल 10% ऊर्जा का ही जो है स्टोरेज जो है सब पोषित पौधों में या वनस्पतियों में हो पाता है। तो इसको जो पोषण स्तर की संकल्पना है हमारे सौर हमारे क्या बोलते हैं पार्श्विक तंत्र में के ऊर्जा प्रवाह में, तो इसको ट्रॉफिक लेवल 1 बोलते हैं, पोषण स्तर 1 बोलते हैं। हमने लिखा कि पोषण स्तर 1 और इसमें के अंतर्गत जो है स्वपोषित पौधे भी ये पौधे ही सम्मिलित किए जाते हैं। फिर उसके बाद जो दूसरा पोषण स्तर आता है, दूसरे पोषण स्तर में ऐसे जीव होते हैं जो शाकभक्षी हैं या जो शाकाहारी हैं, जो वनस्पतियों पर अपने आहार के लिए निर्भर करते हैं, जैसे गाय हो गई, बकरी हो गई, वह मनुष्य जो शाकाहारी हैं, खरगोश हो गया, ये जीव क्या करते हैं अपने पोषण के लिए शाकाहारी जीव या शाकाहारी जीव जो है वनस्पतियों पर निर्भर है, ये वनस्पतियों से ऊर्जा का ग्रहण करते हैं, ग्रहण करके जो है अपने जो ऊतकों का संवर्धन करते हैं। इसको ऐसे समझो कि ऊर्जा का भंडारण अपने ऊतकों में करते हैं और इस प्रक्रिया में भी यहाँ से प्राप्त ऊर्जा का 90% ह्रास हो जाता है, लॉस हो जाता है, केवल 10% ऊर्जा ही शाकाहारी पौधों द्वारा शाकाहारी जीवों द्वारा या ट्रॉफिक लेवल 2 के द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता। फिर तीसरे स्तर में जो आते हैं उसके अंतर्गत मांसाहारी जीव सम्मिलित किए जाते हैं। मांसाहारी जीव क्या करते हैं, जो शाकाहारी जीवों का भक्षण करते हैं और उन जीवों का भक्षण करते हुए ऊतकों का संवर्धन करते हैं और इस प्रक्रिया में 90% ऊर्जा का क्षय हो जाता है, केवल 10% ऊर्जा का ही भंडारण होता है। और सबसे ऊपर जो पोषण स्तर 4 है जिसको हम जो है सर्वाहारी बोलते हैं, ये क्या करते हैं, ये तीनों से जो है अपने भोजन के लिए निर्भर करते हैं और ये सबसे उच्च स्तर होता है हमारे जो है ट्रॉफिक लेवल का, हमारे जो है पोषण स्तर का सबसे ऊंचा स्तर होता है। और उसके बाद आ जाते हैं वियोजक। वियोजकों का काम होता है कि इन समस्त जितने भी जीव हैं, चाहे वो सर्वाहारी है, मांसाहारी हो, चाहे शाकाहारी हो, इनको जो है डिकम्पोज करने का, इनके जो है जो ऊतक या जो भी इनकी बॉडी के पार्ट होते हैं उनको जो है पुनः जो है जिसे पदार्थों का चक्र है पुनः जो है मिट्टी मिलाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार जो है हमारे पार्श्विक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, यहाँ पर कुल प्राप्त ऊर्जा का केवल 10% होता है, फिर उस 10% का केवल 10%, फिर उस 10% का 10% और फिर उस 10% का 10%। अगर इसको पिरामिड के रूप में दिखाएं तो ऊर्जा का पिरामिड लगातार जो है सकरा होता जाता है, संख्या पिरामिड के रूप में दिखाएं तो लगातार ये जो है ये ऐसे ऐसे सकरा होता जाए। फिर ऊर्जा प्रवाह या ऊर्जा क्या बोलते हैं का जो हमारे यहाँ ट्रांसपरेंशन होता है उसी को सरल रूप में व्याख्या करने के लिए आहार श्रृंखला की बात कर रहे हैं।
आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला क्या होती है, इसको आपको समझना पड़ेगा और आपको अपने प्रश्न में इसका भी उल्लेख करना पड़ेगा। मैंने लिखा है कि उच्च उपभोक्ता तक ऊर्जा के स्थानांतरण के क्रमबद्ध प्रवाह पथ को आहार श्रृंखला कहा जाता है। जो उच्च उपभोक्ता है, जो उस पात्र की तालिका सबसे ऊपरी है, चाहे वो सर्वाहारी हो, चाहे वो मांसाहारी हो, चाहे शाकाहारी हो, वहां तक जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, एनर्जी का जो फ्लो होता है, जहां तक जाता है, उसके प्रवाह क्रम को जो है आहार श्रृंखला की संज्ञा दी जाती है। इसको थोड़ा सा आप ऐसे समझिए, इसे सबसे निम्न स्तर पर जो है वनस्पतियां हैं, एक सामान्य सा जो हम उदाहरण लेते हैं, तो उसके स्तर पर वनस्पतियों पर आधारित शाकाहारी जीव हैं, उसके बाद उन शाकाहारी जीव पर आधारित मांसाहारी हैं, और इन तीनों पर निर्भर जो है सर्वाहारी है। तो आहार श्रृंखला जो है बिल्कुल जैसे ट्रॉफिक लेवल में, एक लेवल से दूसरे की ओर, दूसरे से तीसरे की ओर, तीसरे से चौथे की ओर, यह सरल क्रम में जो है सबसे उच्च उपभोक्ता तक ऊर्जा का प्रवाह इसमें होता है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि 10% लाभ लॉस, 10% ऊर्जा का जो क्या बोलते हैं नियम है कि 90% ऊर्जा का जो है ह्रास हो जाता है, तो 10% ऊर्जा ही सम्मिलित होती है। फिर तीसरा जो हमारे पास आता है वो आहार जाल की हम बात करते हैं। जब कई सारी आहार श्रृंखलाएं एक दूसरे के साथ जटिल होकर संयुक्त होकर के जटिल हो जाती हैं, तो उसको आहार जाल की संज्ञा दी जाती है। इसको आप समझने के लिए खाद्य श्रृंखलाएं ऊर्जा के स्थानांतरण हेतु जटिल जाल का निर्माण करती हैं, और इसी को जो है क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण हमने आपको बताया है कि घास, खरगोश और बाज, ये एक आहार श्रृंखला है। दूसरी आहार श्रृंखला है घास, टिड्डा और बाज। फिर तीसरी आहार श्रृंखला है घास, टिड्डा, छिपकली और बाज। और ये इतना कंपोजिट हो जाता है, इतना क्या बोलते हैं, इतना एक वेव का निर्माण करती है। जैसे अब ये एक जो है क्या बोलते हैं जाल का निर्माण करती है, और पारिस्थितिकी तंत्र में इसको हम क्या बोलते हैं, एक आहार जाल की संज्ञा देते हैं। तो अगर आपको ये प्रश्न आपको मान लीजिए आता है, तो आपको इन 5 बिंदुओं पर जो है क्वेश्चन को लिखना है। जब आप करेंगे तो आपको बेहतर मार्क्स प्राप्त होंगे। उसी प्रश्न के दूसरे खंड पे हम चर्चा करेंगे, और उसमें पूछा गया कि मृदा निर्माणक प्रक्रमों पर टिप्पणी लिखिए। तो इस प्रश्न पे मैंने जो अपना थ्योरी बनाया है, सबसे पहले हमको मृदा की परिभाषा देनी है, फिर मृदा उत्पत्ति के कारक क्या क्या है उनके बारे में बताना है, और उसके बाद जो है जो मृदा निर्माणक प्रक्रम है, जो हमारा मेन प्रश्न है, जो 4 प्रक्रम है 35-35 शब्दों में, उनके बारे में हमको व्याख्या करनी है, और इस पूरी फ्रेमिंग के आधार पर क्वेश्चन कंप्लीट होगा। कई सारे बच्चे गलती करते हैं कि जब मृदा निर्माणक प्रक्रम की हम बात करते हैं तो उनके दिमाग में मृदा उत्पत्ति की जो कारक है वो रहता है, और प्रश्न में वही लिख देते हैं। तो आपको इस ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। जो सॉइल फार्मिंग प्रोसेस है, जो मृदा की उत्पत्ति करने के प्रक्रम है, जो प्रक्रिया है, यहाँ पे प्रोसेस की बात की गई, सॉइल फार्मिंग प्रोसेस की बात की गई है। सॉइल फार्मिंग या सॉइल क्या बोलते हैं मृदा उत्पत्ति के कारक के बारे में बात नहीं की गई है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले आपको मृदा की परिभाषा देनी है, फिर मृदा उत्पत्ति के कारक को बिल्कुल आपको एक लाइन में मुश्किल से 25 शब्दों में इसको बताना है कि मृदा उत्पत्ति के कौन कौन से कारक होते हैं। फिर आपका जो मुख्य प्रश्न है, मृदा उत्पत्ति के जो कारक हैं, जो प्रक्रम हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, जो प्रोसेसेस हैं, उनके बारे में आपको चर्चा करनी है, और इस तरह आपका जो प्रश्न जो है 200 से 225 शब्दों का आराम से कंप्लीट हो जाएगा, और आपको आपके वांछित अंक जो आप चाहते हैं, अच्छा स्कोर हो, आपको मिलेगा। तो हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि मृदा होती क्या है। मृदा या मिट्टी सेलों के विघटन और वियोजन से उत्पन्न असंगठित पदार्थ, जिसका निर्माण जैविक पदार्थों, खनिज पदार्थों,
मृदा घोल तथा मृदा वायुमंडल से होता है उसे मृदा की संज्ञा दी जाती है। अगर मृदा की परिभाषा आपने दी और एक भूगोल के अच्छे विद्यार्थी के रूप में आपने कुल इतना बता दें कि शैलों के विघटन नियोजन से उत्पन्न असंगठित पदार्थों को मृदा कहा जाता है तो फिर वहाँ पे आपका प्रश्न कंप्लीट, वहाँ पे आपकी परिभाषा कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। वहाँ पे आपको ये भी इंक्लूड करना है कि इसका निर्माण या इसके संगठन में जैविक पदार्थ, खनिज पदार्थ, मृदा घोल तथा मृदा वायुमंडल की भूमिका होती है। इसके बाद फिर आपको तुरंत बताना है कि मृदा उत्पत्ति के जो कारक होते हैं उसको एक सूत्र है, गुर है, एक फार्मूला उसके आधार पर व्याख्या उसकी की जाती है। सॉइल इज इक्वल टू फंक्शनिंग ऑफ क्लाइमेट, ऑर्गेनिक एलिमेंट, रिलीफ, पैरेंटल रिलीफ और टाइम। यानी मृदा जो है इन जितने भी कारक हैं ये फंक्शनिंग का परिणाम है, इनके जो है क्रियाविधि का परिणाम है। इसमें क्लाइमेट है, जलवायु है, जैविक पदार्थ है, उच्चावच है, आधार शैल है और समय है। बस इतना कह करके आपको आगे क्वेश्चन में बढ़ जाना है। आपका जो मुख्य प्रश्न है हम क्या बोलते हैं इसके पश्चात जो है हम मृदा निर्माण या मृदा का निर्माण करने वाले प्रक्रमों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो मृदा निर्माण प्रक्रम का मतलब क्या होता है कि मृदा के निर्माण में जो भी भौतिक, रासायनिक, जैविक जो भी क्रियाएँ प्रक्रियाएँ सम्मिलित होती हैं उनको हम सॉइल फार्मिंग प्रोसेस या मृदा निर्माणक प्रक्रम की संज्ञा देते हैं। और इनको चार वर्गों में, चार संवर्गों में इनको विभाजित किया गया है। सबसे पहला है मृदा समृद्धि। समृद्धि का मतलब है कि मृदा का ग्रोथ होना, मृदा का विकास होना, मृदा का क्या बोलते हैं इनरिचमेंट होना। अंग्रेजी में भी इसलिए इस्तेमाल किया गया है सॉइल इनरिचमेंट, यानी एक जो हमारे पास मिट्टी की एक मोटी लेयर है उस लेयर में और आगे की ओर बढ़ना। तो क्या है ये जो है मृदा समृद्धि के अंतर्गत जो है मृदा में जैविक तथा अजैविक पदार्थों की वृद्धि होती है। कैसे होती है? इसमें कुछ प्रक्रम है जो सहयोग करते हैं, जैसे बहजात प्रक्रम के अंतर्गत अपरदन और अपक्षय। अपरदन के द्वारा जो पदार्थ आता है, जो परिवहन के द्वारा पदार्थ आता है उसके द्वारा जो है मृदा में उन पदार्थों की वृद्धि होती है। फिर जैविक संग्रह, जैसे कि जो है मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर जो है मान लीजिए जहाँ पे टॉप सॉइल है, जो टॉप सॉइल के ऊपर पेड़ पौधों की पत्तियां गिरती हैं उनका विघटन नियोजन होता है। विघटन नियोजन होने के बाद जो है उसमें कुछ जो है जीव जंतु हैं उन जीव जंतुओं का वहाँ पर विकास होता है, जैसे केचुए का विकास होता है, दीमक का विकास होता है, ठीक। फिर केशिका क्रिया, केशिका क्रिया के द्वारा क्या होता है कि हमारी पृथ्वी के अंदर की जो क्या बोलते हैं खनिज पदार्थ हैं वो तथा पृथ्वी की सतह के ऊपर आते हैं। इसको ऐसे समझिए कि पृथ्वी के अंदर का जो क्या बोलते हैं सोडियम सल्फेट है, जो लवणीय पदार्थ है वो धरातल के ऊपर आ जाते हैं, केशिकाएं बन जाती हैं, वो आ जाते हैं। इस तरह जो है इस मृदा समृद्धि के प्रक्रम के अंतर्गत जो है इस चार प्रकार की क्रियाओं का होता है, जैसे बहजात प्रक्रम, जैविक संग्रह, केशिका क्रिया और जैविक पदार्थों का स्थानांतरण। जो जैविक पदार्थ होते हैं, जैविक पदार्थ जैसे जो जीव है, जैसे केचुआ, केचुआ क्या करता है, केचुआ जो मिट्टी के अंदर की जो क्या बोलते हैं मृदा के अंदर जो अधोमुखी जो संचलन जो है जो पदार्थ नीचे चला गया उसको जो ऊपर मुखी संचलन के माध्यम से अपनी जैविक प्रक्रिया के द्वारा मिट्टी की ऊपरी सतह को इन्वेस्टमेंट करता है, इसलिए इसको जो है प्रकृति का हलवाहा भी कहा जाता है। यही काम दीमक का होता है। दीमक क्या करता है पृथ्वी के अंदर जो जैविक खनिज पदार्थ उनकी पृथ्वी की सतह पर ला करके जो है मिट्टी का इन्वेस्टमेंट करता है, मृदा की समृद्धि करता है और मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करता है। दूसरे प्रक्रम के अंतर्गत मृदा क्षति को सम्मिलित किया जाता है। मृदा क्षति का मतलब मिट्टी के निर्माण होने के साथ साथ मिट्टी के नष्ट होने की प्रक्रिया भी चलती रहती है, इसीलिए जो है इसको जो है सॉइल फार्मिंग प्रोसेस में सम्मिलित किया गया है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है अपरदन। अपरदन आपको पता है अपरदन की प्रक्रिया क्या होती है, जल, वायु, हिमानी, हिमनदी, हिमानी आदि जो है जो बाहर जात प्रक्रम है इनके द्वारा जो मिट्टी की ऊपरी लेयर होती है उनको रगड़ रगड़ करके उनका ह्रास किया जाता है, मृदा की क्षति की जाती है, उस प्रक्रिया को अपरदन कहा जाता है। दूसरा वाष्पोत्सर्जन। अगर मिट्टी में मिट्टी की जो है नमी का ह्रास होता है, मिट्टी की जो जलवाष्प धारण करने की क्षमता है वो चाहे किसी भी कारण, चाहे वो वातावरण के शुष्क होने से अगर उसमें क्षय होता है, मिट्टी की नमी धारण करने की क्षमता क्षय होता है तो उसको वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। उसके कारण मिट्टी की जो है
क्षति होती है, मृदा की क्षति होती है। डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं, मृदा में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है उसकी मात्रा में कमी आती है। मिट्टी अपने क्या बोलते हैं, मिट्टी में जो नाइट्रोजन के धारण करने की क्षमता है, मिट्टी नाइट्रोजन का निष्कासन कर देती है। तो इस प्रक्रिया के कारण भी, चूँकि हमको पता है कि नाइट्रोजन मिट्टी का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और मिट्टी के पोषक पदार्थों में एक महत्वपूर्ण उसकी भूमिका है, तो अगर नाइट्रोजन का स्थलीकरण करने की जगह पे मिट्टी डीनाइट्रिफिकेशन कर रही है तो यह भी मदद मिट्टी के एक प्रकार की क्षति का ही प्रकार है। और उसके बाद होता है अपक्षालन। अपक्षालन में क्या होता है कि मिट्टी की जो ऊपरी सतह है वहाँ से खनिज पदार्थों का, जैविक पदार्थों का निचली सतह की ओर क्या हो जाता है, निष्कर्षण हो जाता है, निचली पता की ओर उनका जो है स्थानांतरण हो जाता है। इसी को जो है नीचिंग की प्रक्रिया भी कहा जाता है। स्पेशली जो है जो लैटेराइट सॉइल होती है उनमें जो है ये प्रक्रिया बहुत से होती है। उसके बाद जो तीसरी प्रक्रिया उसको पदार्थ विस्थापन बोलते हैं। हमने पहले ही बताया कि मिट्टी का निर्माण कई सारे जो है खनिज पदार्थों से होता है, तो इन खनिज पदार्थों का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, या तो इनका उपरमुखी संचलन होता है, यानी जो मिट्टी की जो लेयर है उसकी निचली सतह से पदार्थ का ऊपर की ओर गमन होता है। जैसे उसमें केशिका क्रिया, केशिका क्रिया मैंने आपको पहले ही बता दिया, केशिका क्रिया में ये होता है कि जो है निचली सतह में जो है मिट्टी में केशिकाएं बन जाती हैं और जो निचली सतह का जो कैल्शियम सोडियम और लवण सल्फेट विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ होते हैं वो मिट्टी की निचली सतह से ऊपरी सतह के ऊपर आ जाते हैं। दूसरा जीवों द्वारा स्थानांतरण, मैंने बताया कि जो है केंचुआ हो गया, दीमक हो गया, ये जो मिट्टी के जो है निचली सतह से ऊपर की ओर जो है पदार्थों का स्थानांतरण करते हैं। अधोमुखी का मतलब होता है नीचे की ओर, यानी ऊपरी सतह से नीचे की ओर जो है मिट्टी में पदार्थों का स्थानांतरण होता है। इसके द्वारा भी मिट्टी के निर्माण का एक प्रक्रिया प्रभावित होती है। महत्वपूर्ण जो है सॉइल फार्मिंग प्रोसेस है, जैसे कि अपवहन और विनिक्षेपण। अपवहन में होता है, अपवहन को ही क्या बोलते हैं, निक्षालन कहा जाता है। जब ऊपरी पदार्थों का, ऊपरी खनिज पदार्थों का निचली मिट्टी की सतह में जो है स्थानांतरण हो जाता है तो उसे जो है अपवहन या क्या बोलते हैं लीचिंग की प्रक्रिया या निक्षालन की प्रक्रिया कहा जाता है। विनिक्षेपण में होता है कि जो मिट्टी की ए लेयर है, मृदा की परिच्छेदिका की ए लेयर है, उस मृदा परिच्छेदिका से की ए लेयर से बी लेयर की ओर, विनिक्षेपण में ए लेयर से बी लेयर की ओर अगर जब पदार्थों का स्थानांतरण होता है तो उसको जो है विनिक्षेपण की क्रिया दी जाती है। तो इस प्रकार जो है पदार्थ विस्थापन के अंतर्गत मृदा की परिच्छेदिका में या मृदा की परीक्षा मिट्टी के निर्माण के प्रक्रम में दो प्रकार की जो है क्रियाविधि होती है, उपरमुखी और अधोमुखी संचलन। ये आपको अपने प्रश्न में लिखना है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो चौथा सॉइल फार्मिंग प्रोसेस जिसको कहा जाता है पदार्थों का रूपांतरण है। मिट्टी में पदार्थों का रूपांतरण भी होता है, जैसे प्राथमिक और जो प्रमुख खनिज पदार्थ हैं वो द्वितीयक या कणुत द्वितीयक खनिज पदार्थों में रूपांतरित हो जाते हैं। जब मिट्टी में विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, जैविक प्रक्रियाएं होती हैं, तो जो प्राथमिक खनिज पदार्थ हैं वो द्वितीयक खनिज पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये भी जो है, चूँकि आपको पता है कि खनिज पदार्थ मिट्टी के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण संघटक है, तो ये पदार्थों का रूपांतरण भी मिट्टी के निर्माण के प्रक्रम के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। फिर दूसरा है कि नए खनिज एवं यौगिकों का निर्माण। जब मिट्टी में विभिन्न रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाएँ होती हैं तो उनके द्वारा नए खनिज और रासायनिक यौगिकों का निर्माण भी होता है। ह्यूमस का निर्माण, मिट्टी की जो ऊपरी लेयर होती है वहाँ पर जब वनस्पतियाँ गिरती हैं तो डिकम्पोजिशन के कारण, वियोजन के कारण जो है वो जैविक पदार्थ जो है ह्यूमस के रूप में परिवर्तित हो जाता है और मिट्टी की संरचना में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। तीसरा अगला जो लास्ट है जैविक और अजैविक पदार्थ का मिश्रण। मिट्टी के अंदर जो विभिन्न जैविक और अजैविक पदार्थ होते हैं उनके आपस में एसिमिलेशन होता है, उनका मिक्सिंग होता है, मिक्सिंग के कारण जो है मिट्टी का निर्माण होता है। तो इस प्रकार जब ये भी ये प्रश्न आएगा तो आपको हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि अगर मृदा निर्माणकारी प्रक्रम के बारे में अगर बात कर रहा है तो आपको इन चार बिंदुओं को लिखना है, लेकिन अगर मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात कर रहा है तो फिर आपको सॉइल फंक्शनिंग ऑफ क्लाइमेट ऑर्गन रिलीफ पेरेंटल रॉक एंड टाइम इसके बारे में आपको बताना है। थैंक यू।
उसी प्रश्न के हम लास्ट का जो तीसरा पार्ट है ए बी सी तीसरे की बात करते हैं। उसमें पूछा गया था जैविक अनुक्रम पे टिप्पणी कीजिए, और चूंकि स्पेशली जो है पर्यावरण रोगों से संबंधित है, तो मैंने इसका जो चूंकि तीसरा प्रश्न है 10 अंकों का प्रश्न है, तो इसमें शब्द संख्या थोड़ा कम होनी है। आपको इसको 150 से 200 शब्दों में इसको इसका आंसर लिखना है। अवधारणा क्या है, विशेषताएं क्या है और कितने प्रकार का होता है, ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जिनमें आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा प्रश्न को और महत्व देने के लिए अगर सिर्फ 7 शब्दों का एक चरण लिख दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन मेरा मानना है कि अवधारणा विशेषता या प्रकार में ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। हम लोग ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे सीधे प्रश्न पर बात करते हैं। जैविक अनुक्रम की अवधारणा है क्या? जैविक अनुक्रम को पारिस्थितिकी अनुक्रम भी कहा जाता है, और एक स्थान पर किसी भौगोलिक क्षेत्र में कम्युनिटी में जो चेंजेज आते हैं, जो वहाँ का जैविक समुदाय में परिवर्तन होता है, एक जैविक समुदाय दूसरे जैविक समुदाय को कैसे जो प्रतिस्थापित कर देता है, कैसे स्थानांतरित कर देता है, उसी प्रक्रिया को बायोटिक सक्सेशन या जैविक अनुक्रम की संज्ञा दी जाती है। और अगर हम विशेषताओं की बात करें तो मुख्य रूप से इसकी 3 विशेषताएं जिनके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, अपने प्रश्न में जिनको रेखांकित कर सकते हैं। पहला है स्थिर समुदाय की स्थापना। इसकी जो विशेषता विशेषताएं होती है कि बायोटिक सक्सेशन के द्वारा जैविक अनुक्रम के द्वारा एक ऐसे समुदाय की जैविक समुदाय की स्थापना की जाती है जो स्टेबल कम्युनिटी हो, उस पर्यावरण के साथ भौगोलिक दशा के साथ जो अपने आप को समुचित कर सके, और हमेशा जो है जैविक अनुक्रम का लक्ष्य या गति पर संकल्पना का आधार ही विशेषता यही होती है कि वो हमेशा जो है एक स्थिर समुदाय की स्थापना के लिए प्रयासरत होता है, उस क्षेत्र में एक स्थिर समुदाय की स्थापना उसका लक्ष्य होता है, उसकी विशेषता होती है। दूसरा एक ऑर्डरली जो है सिक्वेंस प्रक्रिया है, एक सबसे पहले प्राथमिक समुदाय का विकास होता है, फिर द्वितीयक का होता है, सबसे लास्ट में वहाँ पर चरम समुदाय का की स्थापना होती है और वहीं पर जो है वो समुदाय स्टेबल हो जाता है। तो ये अनुक्रमिक प्रक्रिया है, क्रमिक प्रक्रिया अर्ली प्रोसेस है। तीसरा है एक दिशा तथा पूर्वानुमानी प्रक्रिया है, ये एक दिशा की ओर होती है, ऐसा नहीं कि और इसके बारे में पूर्वानुमान लगाए जा सकते हैं। तो ये 3 विशेषताएँ हैं जो जैविक अनुक्रम की विशेषता है, आपको अपने प्रश्न में लिखना है। उसके बाद हम प्रकार पर चर्चा करते हैं। जैविक अनुक्रम जो है 3 प्रकार का होता है, जैविक अनुक्रम या पारिस्थितिकी अनुक्रम 3 प्रकार का होता है। पहला होता है प्राथमिक अनुक्रम, दूसरा होता है द्वितीयक अनुक्रम, तीसरा होता है चरम अनुक्रम। तो प्राथमिक अनुक्रम के अंतर्गत किसी बंजर क्या बोलते हैं धरातल पर, बैरन पर, चाहे वो एक मौलिक चट्टान हो या कोई ऐसा धरातली सतह हो जहाँ पर पहले किसी समुदाय का विकास ना हुआ हो, वहाँ पर शैवाल, फंगस तथा छोटे छोटे पौधों का विकास होता है। फिर इन छोटे छोटे पौधों का प्रतिस्थापन लाइकेन के द्वारा होता है, मांस के द्वारा होता है। फिर इन सी सतह पर जो है इन यहाँ पर जो है पर्दा और पक्षी की प्रक्रिया होती है, उस मृदा की पतली परस का विकास होता है, और उसके बाद वहाँ पर घास तथा कीड़े तथा वनस्पतियों की कॉलोनी जो है यहाँ पर डेवलप होती है। तो प्राथमिक अनुक्रम के अंतर्गत एक जो बैरन लैंड होती है, एक प्राइमर प्राथमिक जो धरातल होता है उसके ऊपर जो है सामान्य से जो है सामुदायिक जीवन का क्या बोलते हैं जैविक समुदाय का विकास होता है, तो उसको प्राथमिक अनुक्रम की संज्ञा दी जाती है। तो दूसरा जो इसका जो प्रकार उसको द्वितीयक अनुक्रम कहा जाता है, इसको स्थिर समुदाय कहा जाता है, और यह वह समुदाय होता है जिसने प्राथमिक अनुक्रम के समुदाय को रिप्लेस किया है, डिस्पर्स किया है, उसको रिप्लेस किया और अपने आप को उनको हटा करके अपने आप को एस्टेब्लिश किया है, और इसलिए इसको द्वितीयक अनुक्रम कहा जाता है। इसकी विशेषता ही होती है कि प्राथमिक समुदाय के को जो प्रतिस्थापित करके जिस समुदाय का विकास होता है उसको द्वितीयक अनुक्रम या द्वितीयक समुदाय कहा जाता है। फिर तीसरे के अंतर्गत हम चरम अनुक्रम की बात करते हैं। यह क्या बोलते हैं किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में विकसित होने वाला अंतिम व पूर्ण विकसित चरण होता है, और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण जो है वन क्षेत्र है। तो ये
हमने जो है तीन प्रकार की चर्चा की। अब जैविक अनुक्रम का जो चरण होते हैं, सबसे पहला किसी स्थान पर किस प्रकार जो है जैविक अनुक्रम का विकास होता है, वो सात जो है क्रमिक चरणों में होता है। सबसे पहला वहाँ पर प्रवास होता है किसी दूसरे स्थान, बहुत प्राथमिक के स्थान पर जो है वहाँ पर दूसरे समुदाय का प्रवास होता है। फिर उसका एस्टेब्लिशमेंट होता है, वहाँ पर कॉलोनीज बनती हैं, आपस में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है, प्रतिस्पर्धा के कारण एक दूसरे पर आक्रमण करते हैं, आक्रमण की प्रतिक्रिया होती है और प्रतिक्रिया के साथ वहाँ पर उस जैविक समुदाय का या उस अनुक्रम का स्थिरीकरण हो जाता है। इस प्रकार जो है भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए या भूगोल के छात्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जैविक अनुक्रम का अध्ययन इसलिए भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि जो है चूँकि भूगोल को कहा जाता है स्थानिक विज्ञान है, स्थान विशेष के परिप्रेक्ष्य में जो है मानव के इतिहास का अध्ययन करता है। तो जैविक अनुक्रम के अध्ययन के आधार पर जो है हम किसी स्थान की जो है जो विशेषताएं हैं और उसकी जो वहाँ का जो पास्ट रहा है, जो वर्तमान उसके आधार पर उसके फ्यूचर की जो है कॉन्सेप्ट फ्यूचर का जो है पूर्वानुमान कर सकते हैं।